सिंगनौदिया के रहने वाले व्यापारी ने दीपावली पर्व पर दिया किन्नर समाज को कार का तोहफा। भावुक हुए किन्नर। हमारे समाज के तीसरे वर्ग किन्नर समाज के लोगों को शुभ कार्यों में विशेष महत्व दिया जाता है। वहीं कई लोग इन्हें भगवान की तरह मानते हैं। इन्हीं में से एक है श्री कृष्ण एनक्लेव के रहने वाले धर्मपाल व उनकी पत्नी माया चौधरी। दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर भोलेनाथ मार्बल की मालिक धर्मपाल व उनकी पत्नी ने नंदलालपुरा इंदौर के रहने वाले किन्नर समाज को एक इको कार भेंट की। चौधरी दंपति का मानना है कि समाज के लोगों का उन पर आशीर्वाद है और वह इन्हें परिवार की तरह मानते हैं। वहीं इस मौके पर खुशबू किन्नर ने भावुक होते हुए कहा कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उन्हें और उनकी तकलीफों को समझ पाते हैं। इस दौरान उपहार में दीपावली पर कार मिलने के बाद किन्नर समाज के लोगों ने धर्मपाल और उनकी पत्नी को धन्यवाद भी दिया। आज आपने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया इनको, खुशियाँ क्या कहेंगे आप इसके लिए? भगवान हमको ऐसे ही सब कुछ दे ताकि हम इनके लिए कुछ भी कर पाए, और बहुत खुशी हो रही है हमको कि हम इनके लिए ये कर पाए आज। कौन सी फर्म है आपकी यहाँ पर और आपका क्या कामकाज है और कैसे किस तरह से आप इस नजरिए को देखते हैं इनको? हम श्री भोले शंकर मार्बल से हैं। हमारा टाइल्स और पत्थर का काम है और हम इनको मतलब मैं मेरी ननद से भी बेहतर बढ़ के मानती हूँ इनको। कोरोना काल में भी आपने काफ़ी समय तक लोगों की यहाँ पर सेवा की थी, लगातार भोजन भी किया करवाया था लोगों को, और आगे किस तरह से आप सेवा करना चाहते हैं लोगों? बस इन लोगों के आशीर्वाद से हमारे पास में इतना कुछ है कि हम लोगों का कुछ हद तक मदद कर पाते हैं और भगवान हमको इस काबिल बनाए रखे ताकि हम किसी की मदद कर सके। आपका परिचय? मैं माया चौधरी, वाइफ ऑफ। क्या कहेंगे? बोल दो, थोड़ा सा बोल दो, खुशी क्या सुनो? तुम बोलो। अरे बोल दो, अरे मेरे को नहीं आता बोल दो, ये खुशी क्या आंसू है? क्यों आए आंसू? क्या क्या कहना चाहेंगे इनके लिए जिन्होंने आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया है? इन्होंने मुझे एक भाई का प्यार दिया है। हमें तो भाई क्या होता है पता नहीं, माँ क्या होती है पता नहीं, भाभी क्या होती है पता नहीं। आज इन्होंने हमको ये सब बताया है, समझाया है, एहसास दिलाया है, सगा भाई नहीं, खुशी क्या आंसू है? भाई ने करके हमको दिया। कहाँ से आए हैं आप और किस तरह से इनसे जुड़े हैं, थोड़ा बताएंगे इनसे कैसे जुड़े आप, इनसे किस तरह से आपकी मुलाकात? इस तरह जुड़े हैं कि हम लोग त्यौहार की जाते हैं मांगने के लिए, नेक लेने के लिए जाते हैं, दीपावली का, होली का, राखी का, मकानों का। इस तरह से इनसे हमारी मुलाकात हुई, आना जाना हुआ, हम दोनों के दिल मिला है, भाई बहन की मोहब्बत बढ़ी है। इन्होंने भी भाई हमने बोला, इन्होंने भी बहन माना हमको। और देखो सगा भाई भी होता तो वो नहीं कर पाता, आज जो इन्होंने किया है और हमको एहसास हुआ कि शायद हमारे भी भाई ऐसी हो। मालिक करे हर किसी को ऐसा भाई मिले और ऐसा परिवार मिले। हमको ये तो अफसोस नहीं हो रहा कि हमने अपना परिवार त्याग दिया या परिवार वाले ने हमें त्याग दिया, पर आज अफसोस कोई बात ही नहीं है। इन्होंने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, हमको परिवार की ज़रूरत नहीं है, परिवार मिल गया। भगवान इनका परिवार और हमारा परिवार यही है, हम तो यही चाहेंगे। जो लोग आप लोगों का सम्मान नहीं करते हैं और समाज में आप लोगों को दूर रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे? उनके लिए ये नसीहत है कि वो नज़रिया को बदले, अपनी सोच को बदले, अपनी भावनाओं को बदले। क्यों? क्योंकि हमें भी वही राम के घर से हम भी आए हैं, वही भगवान ने हमें भी अवतार दिया, वही भगवान ने हमें अगला बोला है कि कलयुग तुमको पूजेगा, है ना। जब राम जी वनवास के लिए निकले थे तो कहा था नर और नारी घर पे जाओ, जो नर थे घर चले गए, जो नारी थी वो भी अपनी घर से। हम तो ऐसे थे, ना नर में ना नारी में, हम तो वहीं खड़े। जब 14 साल का वनवास काटने के बाद राम जी लौटे तो उन्होंने कहा आप क्यों यहाँ खड़े, तो हमारे वालों ने बताया कि आपने तो कहा था नर और नारी घर जाओ, हम तो नर में भी नारी में भी नहीं है। तो बोले कलयुग जो हमें पूजेगा राम को वो आपको भी पूजो, राम भक्त होगा वो आपको भी पूजेगा और आपका भी कलयुग बहुत अच्छा आएगा। और भगवान ने वो दिन ले आया जो राम जी ने कहा था वो सच हो रहा है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, वो हमारी भावनाओं से और हमारे आप से खेल रहे, पर ये गलत कर रहे। जो संकेति जो राम ने बनाया उसको ना मिटाओ, उसको ना करो। देखो आज कलयुग में क्या क्या आ रहा है, देखो कोरोना आया है। हम तो भगवान से प्रार्थना करें कोरोना खत्म, पर कुछ अधर्मियों की वजह से कोरोना आया है। अगर वो सीख जाए धर्म और माँ बहनों की इज्जत करना सीख जाए, हम जैसे किन्नरों की इज्जत करना सीख जाए, तो ईश्वर हर संकट हर मुसीबत से अपन जीत जाएंगे और पार पड़ेंगे। आपका नाम? खुशबू नंदलाल। बोलो बोलो बोलो। दीपावली का पर्व है आज, आप आज दीपावली का दिन है। भगवान ने जब जीत हासिल की थी, सीता मैया को ले आए थे तो दिए हजारों जल उठे थे। भगवान ये दिन सबकी ज़िंदगी में आए और सबसे महत्वपूर्ण ये दिन हमारे लिए आज बहुत बेटर है, बहुत बेस्ट दिन है। क्यों? कि हमें अपनों ने तो ठुकरा दिया, ना माँ का प्यार मिला, ना बाप का, ना भाई का, इस सबसे हम बहुत दूर हो चुके हैं।
आज इन्होंने हमको अपनाया, ये राम जैसा भाई मिला, सीता जैसी भाभी मिली और आज हमको ज़िंदगी की सौगात इतनी बड़ी गिफ्ट दे कि इन्होंने हमको, तो आभार इतना इनका है कि सारी ज़िंदगी हम भूल नहीं पाएंगे। इन्होंने हमको अपना कुछ दे के अपना बना लिया और इनके देने ने, इनकी मोहब्बत ने, इनके प्यार ने हमको इतना वो कर दिया कि हमें अपनों की याद भी नहीं आ रही। आज ये दिन है कि हमको सब कुछ मिल गया, ईश्वर ने जो देना था वो तो दिया, उसके बाद जो देना था इनके ज़रिए पहुँचाया। भगवान इनकी लंबी आयु करे, इनके बच्चे, इनकी 7 पीढ़ियों का एहसान हम पे रहेगा। भगवान इनके बच्चे के बच्चे जिए और इनके घर खूब धन लक्ष्मी का वास हो। ईश्वर इनके बच्चे, इनकी ज़िंदगी में खूब खुशियाँ आवे, कभी कोई दुख की घड़ी नहीं आवे। और माता रानी ये जहाँ हाथ डाले वहाँ लक्ष्मी का वास हो, ये माटी पकड़े सोना हो, हमारी तो यही दुआ है बहनों की। आज हम जैसे लोगों को इन्होंने अपना के और अपनी बहन बना के और हमको ये दर्जा दिया है, भगवान इनको जाने कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। हम मालिक इतनी ऊँचाई पर ये जाएगी, देखना आप भी देखोगे और हम भी देखेंगे।